नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज चैनल। बीते डेढ़ महीना पहले दरभंगा के जाले प्रखंड में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। उसी को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें सरकार से मांग की है जल्द से जल्द जो भी इस मामले में दुष्कर्म में शामिल लोग हैं उन्हें दर्ज स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें सजा देने की मैं सरकार से मांग करता हूँ। अगर सरकार उन्हें स्पीडी ट्रायल सजा दर्ज नहीं करती है तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करें। ये आपको जब दलितों या गरीबों के साथ हो रहा है तो ये मीडिया कर्मी को भी हम कहना चाहते हैं, मेरे पर नाराज मत होइएगा भाई। जब गरीबों को होता है तो आवाज दबा दिया जाती है, वही जो अमीरों की लड़की को साथ होता है वही देखिए दामिनी कांड हुआ, उनका इराज सिंगापुर हुआ, प्रधानमंत्री ले गए, पूरे भारत आक्रोश में हो गया कि फांसी की सजा चाहिए, फांसी की सजा, फांसी हुआ। एक दलित की लड़की या आपको गरीब की लड़की के साथ होता है ये आवाज क्यों दबा दिया जाता है हमको ये मालूम नहीं होता। हम केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं और बिहार सरकार से भी कहना चाहते हैं, नीतीश बाबू से इतना ही कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू ये कब तक चलेगा। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कब तक चलेगा। जो भी दोषी पकड़ा रहा है उसको तुरंत आप गोली मरवा दीजिए। बताइए कि हम लोग कितना दिन ऐसे करते करते हमारी बहू बेटियां करती रहेंगी। जो बेटी अभी माँ की दूध पीती है उसका नस भी नहीं बना है, 3 गो ऑपरेशन हो गया है, उसकी माँ रो रो के कड़प कड़प के कह रही है भी एक ऑपरेशन करना है, कि दरिंदा कितना काम बेकार किया है। ऐसा दरिंदा को दिनदहाड़ी मार देना चाहिए। वहाँ की प्रशासन देखिए, उसकी जब एक को अपने बेटी की माँ एकदम हुई है अब पूरे गाँव आक्रोश में हुआ है, कोई गाँव आक्रोश में हो जाएगा, गाँव आक्रोश में हुआ है तो वहाँ का वीडियो जो है अधिकारी जो है उन पर खिलाफ कराए 150 आदमी पे FIR किया है। कल वीडियो से हमके बात भी हुआ, वो कह रहा है कि आपको पायलट नहीं करना, मैं हवा निकाल दिया गाड़ी का, ये कर दिया वो कर दिया, कोई भी आक्रोश मृत्यु हो जाएगा, उन्हें आग लग जाएगी। ये अपने फेसबुक के माध्यम आप पूरे इसको उजार कीजिए, लड़की को अन्याय मिलना चाहिए उसकी माँ को और उसको फांसी मिलना चाहिए। हमने जिस बाबू कितना करा चाहिए फांसी दिवाई है उसको, फांसी होना चाहिए। आप सभी के माध्यम से एक बात हम और कहना चाहेंगे कि वर्तमान जाले प्रखंड के जो वीडियो साहब हैं अज्ञात 150 आदमी पे FIR किए हैं, नामजद किए हैं। अब आप ये सोचिए एज ए मीडिया कि घटना घटती है और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है, आप उन सभी का नाम, बिच पिता, फादर्स नेम और आदमी का नाम दोनों एक साथ कैसे जान सकते हैं, ये सोचनीय विषय है। और ऐसे नामजद किया गया है 150 व्यक्ति को, हमें लगता है कि गुड्डू झा जो है अपने आप को बचाने के लिए ये सब करने पे आमादा हुआ और करके रहा। हालांकि वो अभी जेल में है, लेकिन जेल में तो कितने बलात्कारी अभी भरे हुए हैं आप सबको पता है, खा के मोटे हो रहे हैं सारे बलात्कारी जेल में। जेल में जितने भी बलात्कारी हैं उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम वर्तमान सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं इस मुद्दे पे कि आपके शासनकाल में अगर व्यवस्था वहां पे सही नहीं है, अधिकारी गलत करते हैं तो उसको ठीक कीजिए। व्यवस्था परिवर्तन में हम सभी लोग विश्वास करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। छोटी सी बच्ची नंदनी कुमारी है, आप सब लोग उसको देखिएगा तो इतने मर्माहत हो जाइएगा कि आपके आंख से आंसू नहीं निकल पाएगा, सूख जाएगा। उसको फांसी तक पहुंचाया जाए, क्यों उसको रख के खिला रहे हैं आप? वर्तमान सरकार आप क्यों जेल में बैठा के उसको खिला पिला के मोटा ताजा कर रहे हैं? आप उसको स्पीडी ट्रायल करके अविलंब फांसी तक पहुंचाइए और उस बच्ची को न्याय दीजिए। आप सभी के माध्यम से
हम यह मान करते हैं। मैं गीता पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, महिला प्रदेश अध्यक्ष। और एक मांग और हुआ है, वो बताइए हुआ है कि नहीं उस पे, तो बताइए वो है ना। एक बार जो केस हुआ है जिसमें गुड्डू का बंदर बलात्कार का केस हुआ है, हाँ जी हुआ है, उसमें नहीं निकलेगा? नहीं नहीं, बलात्कार का तो केस हुआ ही है, पूरा साक्ष्य उसका मेडिकल हुआ है, उसका रिपोर्ट है, उसके अगेंस्ट सब कुछ मिला है, तब वो जेल में है। साक्ष्य लगा है 150 लोगों पर जो नामजद करके उसका एफआईआर किया गया, वो क्या किया? वो गुड्डू झा अपने आप को बचाने के लिए किया है। अभी आपको बता देते हैं ज्योति कुमारी का जो घटना हुआ है, ज्योति कुमारी उसी दरभंगा की रहने वाली है, वहां से मतलब कि 15 किलोमीटर की दूरी पे है। आप सभी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से घटना का आया था कहानी कि उसको करंट लगा के मार दिया गया। हम वहां पे गए, घटना स्थल पे देखे जा करके वस्तु स्थिति कुछ और थी। उस ज्योति का बलात्कार हुआ था और अर्जुन मिश्रा नाम करके व्यक्ति बलात्कार किया था, और वो अपने आप को बचाने के लिए पूरे गांव को लेकर के पूरे लोग, जिसके घर में घटना घटी है ज्योति पासवान के घर में, उसी के परिवार पे उल्टा एफआईआर करवा दिया। सेम गुड्डू झा किया है, अपने आप को बचाने के लिए वो एफआईआर करवाया है कि लोग इसमें उलझा रहे हैं और हम बचे। तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है झटके से। अर्जुन करंट का कोई है ही नहीं बात, पोस्टमार्टम आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ज्योति पासवान की घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ हुआ है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम वस्तु स्थिति वहां जा करके देखे हैं, हर चीज को बारीकी से देखे हैं, और आप सबके माध्यम से वो दरिंदा है, हम आपको रोकना चाहेंगे। जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है, कोई सेना नहीं है, कोई फौजी नहीं है, उस वैसे दरिंदा का कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, वो सिर्फ दरिंदा है, और दरिंदा है उसका कोई जात नहीं है। हम इस बात के आपके खारिज करते हैं कि आप उसको आर्मी ऑफिसर कहते हैं। सर माफी है कि आर्मी ऑफिसर पर कहेंगे आर्मी ऑफिसर, तो पुलिस गलत कर रही है बिल्कुल। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी इसमें मिली? हाँ, अरे बचने के लिए उल्टे नामजद 150 लोगों को वहां पे किया गया है, उस पे एफआईआर, इससे समझ में आती है? ऐसी घटनाओं से आप सरकार से क्या चाह रहे हो? ऐसी घटनाओं से हम सरकार से चाहते हैं कि आप तो पूरे राज्य के मालिक हैं, आप राज्य के मालिक हैं, आपके नीचे पदाधिकारी हैं, आप वहां के प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करिए, ताकि ऐसी घटना जो करने के लिए सोचे वो सोचते सोचते मर जाए, और वो ऐसा घटना कभी ना करे। माली समाज की बच्ची है, रुकनी का नाम नहीं ले रहा है, घटना लगा माली समाज की वो बच्ची है, उसके साथ ये घटना हुआ है। आप सोचिए, कोई वो ब्राह्मण की बच्ची नहीं है, किसी की बच्ची नहीं है, हम तो कहते हैं कि समाज की बच्ची है, देश की बच्ची है, देश की बेटी है, क्योंकि वो दरिंदा, उसका कोई जात नहीं, वो दरिंदा है, और बेटी हमारी बेटी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को बचाएगी? जो बेटी ठीक से करवट नहीं ले सकती, 2.5 साल की बेटी, उसके साथ इस तरह से दर्दनाक घटना होता। सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ, दुख हुआ है इस घटना को लेकर, इतना तकलीफ हुआ है कि शायद मैं ठीक से बोल नहीं पा रही, मेरा हाथ पैर थरथरा रहा है। वो भी एक माँ थी जिनकी बेटी के साथ हुआ, और कहते हैं प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किस तरह से हम लोग अपने बेटी को, हमारे भी बच्चे हैं घर में, जब वो घर से बाहर जाता है तो मुझे डर लगता है। कल ही की बात है कि मेरी भतीजी कल मिल नहीं रही थी 3 साल की, फिर मैं इधर उधर देखी तो जाके पता चला कि किसी के घर में। कैमरा पर्सन के साथ रामजीव प्रसाद की रिपोर्ट।